सत श्रीकाल, मैं हूँ जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज मेरे कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट पे हम बनाने जा रहे हैं मटन करी होम स्टाइल, मेरी मॉम वाली रेसिपी। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एंड मेरे भैया भी हैं, उनको मेरे मॉम के स्टाइल की मटन करी बहुत पसंद है, तो उन सबकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनानी बनती तो है ना। तो मैंने सोचा उनको दिखाने के लिए भी और आपको दिखाने के लिए भी बना लेते हैं, और आज ही कंटिन्यू करिए। तो मेरे मॉम की मटन करी रेसिपी स्टार्ट्स विद उन्हां दा प्यार ते साडा सारिआं दा पेट्रोल घिओ, घिओ अनेवा, और घी में थोड़ा सा ऑयल ताकि घी जले ना, ये मेरा हैक है। तो लॉन्ग कुकिंग ओनियन होती है ना, लंबी कुकिंग होती है, इसीलिए घी जले ना, इसीलिए थोड़ा सा ऑयल। और इसमें घी पहले गर्म होने दो, फिर आगे बताते हैं। चलो जी, घी हमारा गर्म हो गया है, उसमें जीरा, थोड़ा सा जीरा, एक टुकड़ा दालचीनी एंड लौंग। लौंग जब पकेगी तो हल्के सा फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा लौंग, दालचीनी और जीरे का। अब जैसे ही मसाले पक जाएं, खड़े मसाले पकने की खुशबू आ गई, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को ना लाइन में लगा दिया सोशल डिस्टेंसिंग करके। कोरोना का माहौल है यार, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग होनी ज़रूरी है। तो हरी मिर्च सबसे पहले, उसके बाद ये गार्लिक, हरी मिर्च मैंने स्लिट करके डाली है, आप चाहें बारीक काट के डाल सकते हैं। उसके बाद ये जिंजर, थोड़ा खड़ा खड़ा आए फ्लेवर तो बढ़िया है। तो जैसे ही ये थोड़ा पकेंगे, उसके बाद जाएंगे अनियंस, हमारे मसाले मतलब हरी मिर्च लहसुन अदरक पक गया है, तो इसके अंदर जाएंगे प्याज। और मुझे अभी अभी मेरी टीम ने बताया कि एसी चल रहा था और बहुत ही तेज़ चल रहा था, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट आवाज़ आ रही थी ना एसी चलने की। अभी उसको साइलेंट करा, उसको बोला फिंगर ऑन द लिप्स, साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, तो उसको तो समझा दिया मैंने। अब प्याज की कुकिंग तेज करने के लिए हल्का सा सॉल्ट, ये जो सॉल्ट है ये प्याज का पानी खींचने लग जाएगा एंड उसकी कुकिंग जल्दी हो जाएगी। तो जी ये आपका हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन, क्रिस्प वाले टाइप, तो इनको करेंगे स्लो गैस को। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मसाले डालने हो ना तो गैस स्लो कर लीजिएगा ताकि मसाले जले ना। हल्दी, ठीक है जी, उसके बाद जी लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, ये तो भर के, ये तो पंजाबी फूड है, मम्मी की रेसिपी है, भर के। गरम मसाला हल्का सा अभी, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला हम बाद में भी डालेंगे, तो अभी सिर्फ थोड़ा सा। और ये मसाले हल्के से पकाने हैं, जलने नहीं देने मसाले, पकाने हैं। तो जी जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आ जाए, टमाटर डालने के बाद एक स्टर, मसाला कोट कर ले टमाटरों को, उसके बाद नमक ताकि टमाटर हमारे जल्दी पक जाए, फिर एक मिक्स और गैस तेज। अब ये जो मैंने मटन लिया है ये लगभग आधा किलो है, और आधा किलो मटन को मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड सॉल्ट लगा के छोड़ दिया था, लगभग दो घंटे हो चुके हैं, डेढ़ दो घंटे। अगर आपके पास टाइम ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे के लिए छोड़िए। और बढ़िया, देखो ये अब मटन ने पानी छोड़ दिया ना सारा, इससे ये होगा कि मटन आपका जल्दी पकेगा, टेंडराइज हो जाएगा, और वो जिंजर गार्लिक पेस्ट से मीटी फ्लेवर आएगा बिल्कुल एंड लेवल वाला। तो जी टमाटर हमारे पक गए हैं, साइड में उन्होंने घी छोड़ दिया है, अब टाइम है
हमारे मटन का। टमाटर पूरे मैश ही करने हैं, आपने पहले नहीं डालना, कंजूसी नहीं करनी कि भाई टाइम की, थोड़े ज़्यादा टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, फ्लेवर ही आएगा। अब मटन का जैसे पानी छूट गया, ये पानी एक तो ग्रेवी भी बनाएगा, आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिप्टमा से ही खाना है, अगर आपको ग्रेवी बनानी है तो आप पानी डाल दीजिए, बट आई प्रेफर दैट ड्राई टाइप, तो मैं ग्रेवी नहीं बनाऊँगा। और ये मटन हमारा गोज इन दी पैन, इन दी कढ़ाई। अब मटन में ना आपको पानी क्यों नहीं डालने की ज़रूरत, क्योंकि मटन इज़ फुल ऑफ वाटर, मटन में बहुत पानी होता है, और अगर आप पानी डाल दोगे ना एट दी एंड बहुत ज़्यादा पतली पतली सी ग्रेवी आ जाएगी। अगर आपको थिक थिक ग्रेवी चाहिए तो पानी बिल्कुल एंड में डालना, अभी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और ढक के पकाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें, अगर आपको लगे कि आपको पानी डालने की ज़रूरत है तब डालिए, वरना नहीं। तो जी मटन करी हमारी डन है। अब वैसे तो घर पे कोई गार्निश नहीं चाहिए होती, और हमने आज ही में दाल की भी शूट करी है और उसमें गार्निश नहीं करा। अब मेरे अंदर का ना शेफ जागता नहीं है जब तक मैं गार्निश ना करूँ, तो थोड़ी बहुत गार्निश बस घर पे खिलाने वाली टाइप वो मैं कर दूँगा। एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू माई मदर्स रेसिपी ऑफ मटन करी, तो देखना मत भूलना, ट्राई करना मत भूलना, एंड पिक्चर पोस्ट करना मत भूलना, फिर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, घंटी भी बजा देना। थैंक यू, सत श्री अकाल, ट्राई जरूर करना।